Hello students, welcome to online class and very good afternoon to all of you students. Okay, तो चलो अभी हम अपने formative assessment 2 start करते हैं, जो कि हमने अपने पिछले class से ही start की है ना. तो पिछले class में हमने इसके यानी कि formative assessment 2 के 5 questions देखे थे. तो अभी हम आज की class में 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 क्वेश्चन एंड इसके आंसर्स देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमें ये क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने ईवीएस की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 40 निकालना है और अच्छे से टेक्स्ट बुक में ध्यान देना है और वीडियो अच्छे से सुनना है. ओके, तो देखो अपने पास कल 5 क्वेश्चन हमने लिए थे, आज हम 5 क्वेश्चन लेने वाले हैं. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है. ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच एनिमल गिव्स अस वूल. तो हमें कौन से एनिमल से वूल मिलता है, हमें कौन से एनिमल से वूल मिलता है, भेड़ या फिर जिसको हम बोलते हैं मेंढी, मेंढा बोलते हैं ना, उससे हमें वूल मिलता है. अभी वूल का मतलब क्या होता है, वूल यानी कि लोकर है ना, जिससे हम स्वेटर बनाते हैं और जो हम स्वेटर पहनते हैं वो किससे बनती है, वूल से बनती है, लोकर से बनती है. तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, वी गेट वूल फ्रॉम शिप. क्या लिखेंगे इसका आंसर हम, वी गेट वूल फ्रॉम शिप, यानी कि हमें शिप से वूल मिलता है. समझ में आया आपको सिक्स का आंसर. अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. तो व्हाट इज अ क्वेश्चन नंबर 7, नेम एनी 3 स्पेशल टाइप ऑफ हाउसेस. तो आपको क्या करना है कि मतलब 3 टाइप्स के हाउसेस के नेम्स लिखने हैं. तो आपको पता है हमने बहुत से टाइप्स के हाउसेस देखे, तो उनमें से कोई भी 3 टाइप्स के हाउसेस के नेम्स आपको इसके आंसर में लिखना है. जैसे कि बंगलो है, इग्लू है, हाउस बोट है, ये हम इसके आंसर में लिख सकते. तो देखो इसके आंसर में क्या लिखेंगे हम, 3 स्पेशल टाइप ऑफ हाउसेस आर हाउस बोट, इग्लू एंड टेंट. वैसे आप कोई भी लिख सकते हैं. ओके, उसके बाद देखो व्हाट इज एन इग्लू. तो इग्लू क्या होता है, इग्लू का मतलब क्या है, इग्लू किससे बना होता है पता है आपको, इग्लू ये जो हाउस है वो पूरा टोटली स्नो से बना होता है, स्नो यानी कि बर्फ. तो इसके लिए इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, एन इग्लू इज अ हाउस मेड ऑफ स्नो. क्या लिखेंगे इसका आंसर, एन इग्लू इज अ हाउस मेड ऑफ स्नो, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इग्लू ये जो हाउस है वो स्नो से यानी कि बर्फ से बना हुआ हाउस होता है. उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अपने पास, विच फेस्टिवल इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. आपको पता है इसका आंसर कि हम कौन से फेस्टिवल्स को लाइट्स का फेस्टिवल बोलते हैं, कौन से फेस्टिवल को बोलते हैं हम लाइट्स का फेस्टिवल. ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग था पता है आपको. अभी देखते हैं हम कि कौन से फेस्टिवल को हम लाइट्स का फेस्टिवल बोलते हैं, हम दिवाली को लाइट्स का फेस्टिवल बोलते. अभी ये बताओ कि हम क्यों बोलते हैं दिवाली को लाइट्स का फेस्टिवल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिवाली के दिनों में हम बहुत दिए जलाते हैं, सभी के घरों में जगमगाहट होती है दियों से, सब मतलब जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ पे लाइट्स ही लाइट्स होते हैं. कब होते हैं लाइट्स ही लाइट्स, दिवाली के फेस्टिवल में. इसीलिए ये जो दिवाली का फेस्टिवल है उसको क्या बोलते हैं, लाइट्स का फेस्टिवल बोलते हैं. तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. ओके, उसके बाद देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन एंड मतलब क्वेश्चन नंबर 10. तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपने पास, व्हेन इज पोंगल सेलिब्रेटेड. हम पोंगल का जो फेस्टिवल है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं. देखो पोंगल इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days इन द मंथ ऑफ जनवरी. तो जनवरी के महीने में हम क्या करते हैं, पोंगल का त्यौहार, पोंगल का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और वो भी कितने दिनों तक,
3 दिनों तक रहता है ये त्यौहार, कितने 3। तो आपको समझ में आया, जो भी आज के क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर्स पढ़े वो आपको पहले तो अच्छे से सुनना है, समझना है, और उसके बाद अपने नोटबुक में लिख के मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यही पे स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में हम देखेंगे वर्ड सर्च, तो इस बॉक्स में से हमें वर्ड सर्च करना है और यहाँ पे मतलब साइड में हमें लिखना है। ओके स्टूडेंट्स,